जय माता दी। नवदुर्गा सप्तशती अध्याय छठवा। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध में लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गए। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षा यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वो देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन देते 60,000 असुरों के साथ सेना लेकर शीघ्र चला पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुभ निशुम के पास चल, यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपुरों को लेकर जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैतेश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ में लाए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी जी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई पड़ी सेना अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकाता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से मारा, कुछ को अपने जबड़ों से, कई के महासुरों को नीचे पटक कर दांतों दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक देतों के केसी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक देतों को तल प्रहार कर उनके सर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की बुझाए फिर से राति छिन्न कर दी। कितनों के पेट फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुभ ने जब ये सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो और उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे सेना लेकर खींचकर बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं शीर के मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। जय माता दी।